पावरफुल उपाय दसन जा रहे हैं जिन्हां करन दे नाल थोड़ी सत्त वख वख प्रॉब्लम्स दूर हो सकदियां है। सो केड़ियां केड़ियां? सब तो पहला तां बहुत सारे लोग जिहड़े ने शेयर्स दे विच उहनां नूं घाटा हुंदा है, वो की करते कुंडली नहीं चैक कराते कि वह शेयर्स से पैसा ला सकते कि नहीं ला सकते, सीधा ही पैसा लाना शुरू कर देंगे तो बाद में जो घाटा हो जाता तो फिर कोशिश करते हैं कि उस घाटे को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करते होर ज़्यादा घाटा कर करके कर्ज़ों आ जाते हैं तो जिंदगी खत्म हो जाती है। सो जो ही पहली बार शेयर्स के घाटा हो गया, कुंडली नहीं दिखाई, पहला तो कुंडली चैक कराओ, फिर शेयर्स के व्यापार के नुकसान तो बचने लिए चमड़े के पर्स के कभी भी रुपए ना रखो, सूर्या अस्त तो बाद कभी भी तुसी दूध ना पियो, चांदी की चेन दे विच एक ठोस गोली जिहड़ी है सोमवार नूं शुद्ध मुहूर्त दे विच पाओ ते चांदी दे गलास दे विच पानी पियो ते पानी पीण तो बाद गलास नूं मुद्दा रख दिओ। सो थायराइड बहुत सारे लोगों का होंदा, थायराइड एक आम जी बीमारी हो गई है, जदों तुसी अपनी मन की गल किसी नाल शेयर नहीं करते तो तुहानूं थायराइड होंदा है। इसलिए जिंदगी दे विच एक गुरु कम से कम ऐसा जरूर बनाओ, उन्होंने कुंडली दिखाओ चाहे ना दिखाओ, लेकिन उदा के गुरु में तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर करो कि थोड़ी ये दिक्कत है तो सारे तुम जो भी मन के मन भरया पाया तो वह मन खाली करो एक इतना के गुरु के कोल जरा थानू बहुत अच्छे ढंग से सुन के थोड़ी प्रॉब्लम का दस सके। सो थायराइड जड़ा है बृहस्पति ग्रह के माड़े होने के कारण होंगे, जिदा अजक बृहस्पति गोचर के नीच का चल रहा उत्तों कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लग्या। सो बहुत ज़्यादा थायराइड वाले बहुत लोग सू दसते हैं उन्होंने बड़िया प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो इस तो बचाव के लिए तो सिद्ध किए हुए गुरु यंत्र की रैगूलर पूजा करो, तो गुरु के मंत्र का तुम रोज़ एक माला का जाप करो, वीरवार वाले दिन छोलियां की दाल मंदिर के चढ़ाओ, पीला हकीक अष्ट धातु के लसूनिया जड़ा है चांदी के धारण करो, वीरवार वाले दिन तो शनिवार वाले दिन पिपल के पेड़ के नीचे जड़ा है सरों के तेल का या शुद्ध घ्यो का दीवा जरूर जलाओ। सो इन्हों उपायों नाल बहुत ज़्यादा अच्छे असर हो सकता है, खास तौर पर बृहस्पति यंत्र की पूजा तो कमाल ही कर सकती है। सो उदू बाद आप गल करते हैं बहुत सारे लोगों को जो पैरालाइसिस की प्रॉब्लम आती है, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होंगे, खाना पीना ठीक नहीं होंगे, फिर जो अजकल के टाइम से बहना पै रहा तो बहुत लोगों की यह भी शिकायत आ रही है साडा एक पासा वीक हो रहा है इदा की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो एक बड़ा ही कष्टदायक रोग होंगे, सो यदा रोगी जरा पूरे तरीके दूजे के उत्ते डिपेंड कर सकता है। सो ज़्यादातर जरा बुध ग्रह जरा बुध ग्रह जो नीच का होंगे उदो ज़्यादा असर होंगे, जो अजक बुध नीच का चल रहा सो इदा के बहुत सारे केसिस साढ़े को आ रहे हैं। एक तो बचाव के लिए गां हर बुधवार पालक जरूर खवाओ, बहुत जल्दी लाभ के लिए लोहे की अंगूठी के नीलम जड़ा है वह मध्यम अंगुली के पाओ, थोड़ा कुंडली उदू पहला जरूर चैक करा दी, वो पहले केस के भी जिदा असी दसिया। सो जरा तांबे के लसूनिया जड़वा के तुम जरा कनिष्ठिका उंगली धारण कर सकते हो, पुरुष सज्जे हाथ के स्त्री खब्बे हाथ के। सो पिप्पल नी जल चढ़ाओ तो नाल प्रार्थना करो, रोगी हौली हौली लाभ जरा महसूस करना शुरू कर देता। सो उदू बाद आप गल करते हैं जी थोड़े नाल एक इदा का उपाय, हर बंदा चाहता कि साडे कर्मचारी जिहड़े साडे कोल काम करन वाले ईमानदारी नाल काम करन, जे कर्मचारी ईमानदार या विश्वसनीय ना होन तां जिहड़ी इह चाह दीआं पत्तियां 250 ग्राम का पैक एक लैके किसी भी सफाई कर्मचारी नूं दे दो, नाल उहनूं 20 रुपए 21 रुपए दक्षिणा दिओ ते नाल उहनूं उहदा धन्नवाद करो कि भरा तूं बहुत वधिया काम कर रहा, क्योंकि सफाई कर्मचारी भी माँ की तरह ही थोड़ी सफाई करते हैं, क्योंकि या एक माँ करती है या सफाई कर्मचारी करते हैं। सो चांदी के गिलास के पानी पियो तो फिर ये प्रॉब्लम थोड़ी ठीक होएगी। सो इस तो बाद मनपसंद लड़की के नाल ब्याह करन दे लई बहुत सारे लोग पुछते हैं, तुसीं इहदे लई ठोस चांदी दीआं चार छोटियां गोलियां लाओ, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को जिहड़ा सफेद कपड़े के लपेट के हमेशा अपने कोल रखो, तो एक कप कच्चा दुध जिहड़ा चीनी मिला के रोज़ तुसी जामन के पेड़ दीयां जड़ां दे विच पाओ, उहदे नाल काफ़ी असर होएगा। सो इस तो अलावा कर्ज मुक्ति के लिए गल करते हैं, छेवां उपाय साडा इहदा, इहदे लई 43 दिन तक लगातार तुसी किसी मंदिर के जाओ, लॉकडाउन खत्म होएगा तो उदू बाद उपाय कर पाओगे, तो जाके तुसी दर्शन करो तो जन्म इस जन्म तो पूर्व जन्म के हुए पापा के लिए तुसी जड़ा है ईश्वर तो प्रार्थना करो कि सानू माफ़ करो। तो अमावस वाले दिन किसी भी मंदिर के खीर चढ़ा सकते हो, तो आखिर डेंगू तो बचाव के लिए हुण करोना तो चल ही रहा, लेकिन
ਬੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੱਛਰ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੱਛਰ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਸੋ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਠਰੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਮਠਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਕੀਨ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਸੂਜੀ ਦਾ ਹਲਵਾ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ। ਤੋ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੇ ਗੁੜ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਿੱਠੇ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੇਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਾਸਤੂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ 30G ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ 9872622053 ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9417020533। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ।